और अब वक्त हो चला है अगले एक मिनट में एक एक करके खबरें विस्तार से बताने का। सबसे पहले आपको बता दें, आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने जा रही है। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का विमोचन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11:30 बजे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का विमोचन करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया जाएगा। यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। यूपी विधि आयोग ने जनता से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। बिल की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की है। 2021-30 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। नई जनसंख्या नीति जारी करने के अलावा सीएम योगी 11 जिलों में 11 BSL-2 RT-PCR लैब का लोकार्पण भी करेंगे। विभाग की अभी कुल 22 RT-PCR लैब हैं। ऐसे में प्रदेश में अब BSL-2 स्तर की RT-PCR लैब की संख्या 44 हो जाएगी। इन लैब के शुरू होने के बाद इन जिलों में कोरोना की जाँच रिपोर्ट जल्द मिलेगी। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा नई जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लेने में लगे हैं। साथ ही मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, लेकिन हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के विकास में, क्योंकि आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 24 करोड़ से ज़्यादा की हमारी जनसंख्या हो गई है। हम अपनी योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमें योजनाओं को अगर पहुंचाना है, अच्छी व्यवस्था देनी है, आने वाली जनरेशन्स को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा से जोड़ना है, तो इसके लिए हो सकता है नीति के बाद हमें कानून भी लाएंगे, क्योंकि ये सर्व समाज के लिए होगा। ये इसको एक तरफ क्यों जोड़ा जा रहा है और क्यों देखा जा रहा है। मोहसिन रजा ने साथ ही कहा कि हम अपने लोगों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि कानून को हमने जनता के बीच रखा है और राय मांगी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पर बयान दिया है और कहा है कि ये दूरगामी निर्णय है और इस पर व्यापक समर्थन है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि महिलाओं के सम्मान में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने BSP सुप्रीमो मायावती को भी आड़े हाथों लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती जी ट्वीट करें, लेकिन उनको बोलने का नैतिक हक नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पर कहा कि जो खास होगा वो जानकारी दी जाएगी। ये दूरगामी निर्णय है और व्यापक समर्थन है। उत्तर प्रदेश के संसाधन है, उसका प्रदेश की जनता के हित में उपयोग किया जा सके, इस बात को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति लाई जा रही है और मुझे लगता है इसका सब स्वागत करेंगे। वोट की राजनीति के लिए विरोध कोई भले करे। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने जनसंख्या नीति पर बयान दिया और कहा कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो या फिर कोरोना वायरस नियंत्रण की बात हो, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सदन में बात करनी चाहिए। यूपी सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है। इस बीच राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इस ड्राफ्ट बिल के बारे में विस्तार से बताया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इस ड्राफ्ट के बिल के बारे में विस्तार से बताया। आदित्य मित्तल के मुताबिक विधि आयोग अगस्त के दूसरे हफ्ते में यूपी सरकार को ड्राफ्ट बिल सौंपेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानून पास होने के एक साल के बाद लागू होगा और स्पीच अगर किसी का कोई गर्भवती है महिला तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको गर्भ हटाना होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो कानून है ये सभी जाति धर्म संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। आदित्य मित्तल ने बताया कि कानून लागू होने से पहले जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। राज्य विधि आयोग ने प्रस्ताव किया है कि 2 बच्चों की नीति का पालन करने वाले व्यक्ति राज्य कल्याण सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। जनसंख्या अगर सीमित होगी
तो परिवार सुखी होगा। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी 1200 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं। देश की सियासत में एक सूत्र वाक्य का जिक्र हर नेता की जुबान पर होता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी में अब विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने बचे हैं, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अगले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। 15 से 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा करीब करीब तय है, जिस पर अब सिर्फ आखिरी मोहर लगना बाकी है। पीएम मोदी के हर बार के दौरे में वाराणसी को कुछ न कुछ जरूर मिलता है, जिसका असर भी अब वाराणसी और आसपास दिखने लगा है। इस बार के वाराणसी दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी करीब 1200 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं, जिसमें पीएम मोदी 736.38 करोड़ की लागत की 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 417.68 करोड़ की लागत की करीब 84 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आतंकी गतिविधि और देशद्रोह मामले में जम्मू कश्मीर में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें आतंकी सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें आतंकी सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं और इन सभी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सभी बर्खास्त 11 कर्मचारियों पर संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बर्खास्त किए गए 11 कर्मचारियों में से 4 अनंतनाग, 3 बड़गाम से, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा से एक एक हैं। इनमें से 4 एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस में और एक एक कृषि, कौशल विकास, बिजली, SKIMS और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटों को बर्खास्त कर दिया गया है। सैयद अहमद शकील और सैयद यूसुफ भी आतंकी फंडिंग में शामिल थे। NIA ने दोनों को आतंकवाद के वित्त पोषण को ट्रैक किया है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला लेन देन के माध्यम से धन जुटाने, प्राप्त करने, एकत्र करने और स्थानांतरित करने में शामिल पाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन के देहरादून दौरे पर जाएंगे। इससे पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर बिजली के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। इस बीच राज्य में अगले साल चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बिजली को मुद्दा बनाने का मन बना लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महंगी बिजली के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार को घेरा और ट्वीट कर लिखा कि बिजली का उत्पादन करने वाले उत्तराखंड में लोगों को बिजली महंगी क्यों मिलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बिजली नहीं बनाता, फिर भी लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है। जब उत्तराखंड बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को बेचता भी है। साथ ही केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। इस बीच उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम केवल चुनाव को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रहे हैं। राज्य की जनता के लिए जो काम सबसे अच्छा हो सकता है उसे हम करेंगे। आंध्र प्रदेश में जन्मी सिरिशा बांदला आज अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। 34 साल की एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिशा बांदला आज वर्जिन गैलेक्टिकल की BSS यूनिटी पर चालक दल के 5 सदस्यों के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। भारत की एक और बेटी अंतरिक्ष में कदम रखने जा रही है। कल्पना चावला के बाद आंध्र प्रदेश में जन्मी सिरिशा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। 34 साल की एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिशा बांदला आज वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिट पर चालक दल के 5 सदस्यों के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। सिरिशा ने ह्यूस्टन में शिक्षा हासिल की है और उन्हें पूरा विश्वास था कि वो एक दिन अंतरिक्ष में जाएंगी। 11 जुलाई यानी आज रविवार को सिरिशा स्पेस के लिए रवाना होंगी। सिरिशा के साथ वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिट पर वर्जिन के संस्थापक रिचर्ड ब्रांसन और 4 अन्य लोग स्पेस में जाएंगे। स्पेस की ओर ये उड़ान ध्वनि की गति से 3.5 गुना तेज होगी। हमारे सहयोगी चैनल बियॉन्ड से बात करते हुए सिरिशा ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं पूरे भारत को अपने साथ लेकर स्पेस में जा रही हूं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद सिरिशा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली 3री भारतीय मूल की महिला होंगी।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर के थे। अनंतनाग जिले के कवारी गांव इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को एक गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। लगातार फायरिंग के बीच सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। लगातार चली गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ट्रैक करते हुए मार गिराया। सुरक्षा बल के जवानों ने आसपास के इलाकों में भी आतंकियों की तलाशी तेज कर दी है। बीते 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग 4 मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े 4 और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर समेत 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत को सीएम योगी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का परिणाम बताया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सीएम योगी को बधाई दी। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के बाद अब बीजेपी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भारी कामयाबी मिली है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के खाते में 635 से ज्यादा सीटें आई हैं, जबकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी 100 के आंकड़े के आसपास ही सीमित रह गई। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर सीएम योगी ने इसे केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का परिणाम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है, वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, जो योजनाएं बनाई गई सब तक पहुंची भी, और पंचायत चुनाव के परिणाम इसी का जीवंत उदाहरण है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी की जो रणनीति थी वो कारगर साबित हुई। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में भी अमित शाह शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले अमित शाह मंगल आरती में भी शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11:45 पर हलोल शहर तालुका गांधीनगर तालुका में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। दोपहर 1 सन फाउंडेशन निर्मित 500 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होगा। दोपहर 1:15 पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित नारकोटिक्स ड्रग्स फिक्ट्रोपिक भवन का उद्घाटन होगा। दोपहर 3:30 कोरोना सेवा यज्ञ में विशेष योगदान देने वाले महानुभावों को प्रशस्ति पत्र देने का कार्यक्रम है। शाम 5 स्वामी नारायण मंदिर अडालाज में नवनिर्मित शारदा मनी कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन है। 12 जुलाई को अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ मंदिर में वार्षिक रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंगल आरती में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 72 हेक्टेयर में फैली एक झील के सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस की स्पेशल टीम ने करीब 2,500 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग के एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी हीरोइन की खेप बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद के एक मकान से 354 किलोग्राम हीरोइन बरामद की है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 2500 करोड़ रुपए है। तो जो कश्मीरी रेजिडेंट है, उसका काम था जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, वो प्रोक्योर करना और उनको फैक्ट्री में डिलीवर करना, और इसके लिए उसको पेमेंट हेरोइन के फॉर्म में भी की जाती थी। डीएसपी प्रमोद सिंह खुशवा, एसपी ललित मोहन नेगी और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम की टीम को इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की और फरीदाबाद के मकान से हीरोइन की भारी खेप के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान पंजाब के रहने वाले गुरजोत, गुरप्रीत, कश्मीर के रिजवान और अफगानिस्तान के रहने वाले हजरत अली के रूप में हुई है।
दिल्ली में कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने सरकारी वैक्सीनेशन सेंटरों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाने का आदेश दे दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ चुकी है और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हुई है। इस बीच दिल्ली में कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर को कोवैक्सीन की पहली डोज शुरू करने का आदेश दे दिया है। कोवैक्सीन की सीमित आपूर्ति को देखते हुए दिल्ली में पिछले 1.5 महीने से कोवैक्सीन की दूसरी डोज ही लग रही थी। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोवैक्सीन लग रही है वहां कोवैक्सीन की कुल मौजूदा डोज में कम से कम 20% वैक्सीन की डोज पहली डोज लगवाने वाले को लगेगी। लेकिन कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने के इच्छुक लोग सिर्फ कोविन ऐप पर रजिस्टर और स्टॉक बुक करके ही कोविन ऐप की पहली डोज लगवा सकेंगे। दिल्ली में कोवैक्सीन की पहली डोज अभी वॉक इन माध्यम से नहीं लगेगी। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीके वाली नाव की शुरुआत की गई है, तो इस नाव की क्या खासियत है देखिए। ये है टीके वाली नाव, यानी वो नाव जिसमें बाढ़ में फंसे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। बिहार इस वक्त दो मुसीबतों से जूझ रहा है, एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या। ऐसे में मुजफ्फरपुर में प्रशासन की तरफ से शुरू की गई 100% टीकाकरण मुहिम लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। सिविल सर्जन और कोविड केयर सेंटर के अधिकारियों ने इस नाव का उद्घाटन किया। हर नाव पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के साथ साथ गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। हालांकि बाढ़ में टीकाकरण किसी चुनौती से कम नहीं है, बावजूद इसके ये टीके वाली नाव बाढ़ में फंसे लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से दो नाव की शुरुआत की गई है जो मुजफ्फरपुर के 14 बाढ़ प्रभावित इलाकों में वैक्सीनेशन करेंगी और आने वाले वक्त में बाकी इलाकों में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगी। दिल्ली में कम होते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर से लोग लापरवाह हो रहे हैं। बाजारों में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, लोग कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कंट्रोल में आ गए हैं, दूसरी लहर का प्रकोप थम चुका है और लगातार 100 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कम होते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर लोग लापरवाह हो रहे हैं। बाजारों में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। गांधीनगर का मार्केट था, सदर बाजार का मार्केट था, जिसे कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था भीड़ के नियम, कोरोना के नियमों के उल्लंघन के वजह से। इसी बार हम फिर से वही देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो है लोग लगातार जो है लापरवाह होते जा रहे हैं। वापस वही भीड़ हमें लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर। वीकेंड्स पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में बढ़ती भीड़ दिल्ली के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर की वजह भी बन सकती है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।